हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस एंड राइट? अब हम पढ़ेंगे दैट हाउ दिस एक्सेस एंड डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड फाइन सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स व्हिच कैन बी यूज्ड To control the excess and deficit demand. So, we have basically two types of policies the one is monetary policy, and the second one is fiscal policy. So, these two policies are basically used by the government to control the excess or deficit demand in the economy. So, let's see what all are included in monetary policy and what are included in fiscal policy. So, monetary policy basically comprises of

and in fiscal policy we have basically the government expenditure and taxation the government the fiscal policy is basically undertaken by the government and your monetary policy is basically undertaken by the RBI now अब हम इसको बहुत तो और ज़्यादा briefly पढ़ेंगे कि इन दोनों policies में होता क्या है और इस policies के अंदर जो mention है चीजें उनमें क्या होता है right So, the first one is monetary policy. The policy of RBI is to control the money supply and the availability of credit to control excess or deficit demand along with the achievement of predetermined purposes of social and economic development. That means, monetary policy, basically, वो policy, RBI, की जिसमें वो क्या करता है कोशिश करता है कि आपकी इकॉनमी की मनी सप्लाई क्या हो पाए कंट्रोल हो पाए ना ही एक्सेस में क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए और ना ही क्या हो पाए डिफिशियंसी uh, आ पाई किसी भी चीज की फाइन और इन सब करने के पीछे उसका मोटिव क्या होता है दैट हमारे इकोनॉमी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवेलपमेंट दोनों आए फाइन ये पूरा ध्यान रखीआई जो पॉलिसी बनाता है जिससे हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की ही सिचुएशन ना आए दैट इज बेसिकली योर मॉनिटरी पॉलिसी नॉन लेट स्टार्ट विद जो और आई कैन से द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन the first one is repo rate so first of all what is the meaning of repo rate so repo rate is basically that rate jiske upar rbi kisko loan de raha hai rbi is providing loan to whom to commercial banks kisko de raha hai commercial banks ko fine और ये लोन किसके लिए होता है basically this loan is basically for short term fine जो शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहा है लोन दे रहा है आर टू कमर्शियल बैंक दैट इज बेसिकली योर रेपो रेट राइट जिस रेट के ऊपर पर्टिकुलर वो दे रहा है फॉर एग्जांपल 10 परसेंट नाइन परसेंट सो दैट इज बेसिकली रेपो रेट फाइन और इसके अगेंस्ट में आर को uh, कोई ना कोई सिक्योरिटीज या फिर कोई ना ऑफ बिल देना पड़ता है किसको कमर्शियल बैंक को फाइन सो so, बिना कोलेट्रल के अब आ, आपका जो आरबीआई है वो लोन नहीं देता है ठीक है सो रेपो रेट इज बेसिकली दैट रेट जिसके ऊपर पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट टर्म और जिसके अगेंस्ट में कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है कुछ ना कुछ कॉलेट्रल रखना पड़ता है सो दैट इज बेसिकली योर रेपो रेट अब अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो उसमें कैसे कंट्रोल होगा सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट केस डिमांड अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड है अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है तो आरबीआई स्वे कोशिश करेगा की इकोनॉमी के अंदर क्या हो जो क्रेडिट की फैसिलिटी है वो क्या हो जाए कम हो जाए सो इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा रेपो रेट को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा अब रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या होगा जब कमर्शियल बैंक को ही पैसे पीछे आरबीआई से क्या मिलेंगे महंगे रेट में मिलेंगे सो वो क्या करेगा जनरल पब्लिक को भी क्या करेगा वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा लोन देगा जिससे क्या हो जाएगा लोन लेना महंगा हो जाएगा और पब्लिक क्या करेगी डिस्करेज होगी हो किससे लोन लेने से सो इससे क्या होगा उनका जो कंजम्पन और एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही क्या कर जाएगा फॉल कर जाएगा और फिर से आपकी इकॉनमी में जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रखी है वो क्या हो जाएगी रिजोल्व हो जाएगी और इकोनॉमी फिर से पे आ जाएगी सो सा याद रखना है कि इफ एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा आरबीआई क्या करेगा रेपो रेट को बढ़ा देगा Fine? जिससे क्या हो जाए लोन एक्सपेंसिव हो जाए लोग डिस्करेज हो और जिससे क्या हो जो एक्सेस डिमांड के सिचुएशन है वो खत्म हो जाए अब अब बिल्कुल इसको ऑपोजिट में होगा डिमांड डिमांड में ऑलरेडी लोग क्या है लोगों के पास पैसे नहीं है तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा जो अपना रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर देगा जिससे लोग मोटिवेट हो लोग एनकरेज हो वो लोन लेने के लिए ठीक है अब आरबीआई से कमर्शियल बैंक को पैसा क्या मिल रहा है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है तो आगे वो जनरल पब्लिक को भी क्या करेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा जिससे जनरल पब्लिक क्या होगी एनकरेज होगी ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के लिए और जब वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे उनके पास मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे वो अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे और जो डेफिजिट डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी रिजोल्व हो जाएगी आई गेस दिस मच इज क्लियर कि अगर एक्सेस uh, डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगी अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगी जिससे लोग क्या को डिसकरेज हो लोन लेने के लिए और अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी डिक्रीज कर देगी जिससे लोग क्या हो एनकरेज हो और ज्यादा लोन लेने के लिए जैसे रेपो रेट होता है वैसा ही हमारे पास एक रेट और

एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करता है बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा हाँ और अगर डेफिसिट डिमांड है तो क्या करेगा बैंक रेट को रिड्यूस कर देगा सो so, यही सेम प्रोसेस किस में चलेगा आपका बैंक रेट में सो आई होप दिस मच क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दूमेंट जो आरबीआई यूज करता है द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है इन विच so, जो आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करता है किसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फ्रॉम ओपन मार्केट उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर डेफिसेट है तो क्या होगा डिमांड अगर एक्सेस है तो क्या होगा अगर डिमांड एक्सेस है मतलब लोगों के पास ऑलरेडी क्या है मनी का फ्लो ज्यादा है या फिर मनी की सप्लाई ज्यादा है सो इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा अपनी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल करेगा फाइन वो मार्केट में उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा सेल करेगा जिससे लोग क्या करें उसको खरीदे अब लोग उनको खरीदेंगे तो उससे क्या होगा जो उनके पास सरप्लस फंड्स हैं, जो कहीं और इन्वेस्ट करते वो आरबीआई के पास आ जाएंगे जिससे क्या होगा उनका जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा फाइन और जो वो एक्सेस डिमांड कर रहे थे गुड्स एंड की वो एक्सेस डिमांड भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है एक्सेस डिमांड में वो अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करता है ठीक है जिससे क्या होता है आपका जो मनी फ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ा हुआ है वो किसके पास आ जाता है आरबीआई के पास आ जाता है फाइन ओके नेक्स्ट देखिए इफ अगर इकोनॉमी में क्या है तो उस केस में क्या करेगा? आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटी आरबीआई परचेज करता सिक्योरिटीज अब आरबीआई परचेस करेगा क्यों क्योंकि डेफिसिट डिमांड है इकोनॉमी में वैसे पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या करेगा लाओ, तो मुझे दे दो ये ठीक है मैं तुमसे खरीदूंगा जिससे क्या हो इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़े ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और लोग क्या करें अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे और जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर पाए फाइन कि जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा ठीक है सो so, आपको अच्छे से याद रखना है ओपन तो मार्केट ऑपरेशंस में क्या होगा अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से को सेल कर देगा और डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा उन सिक्योरिटीज को परचेज करेगा ओके आई गेस जस्ट मच इज क्लियर नो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट नाउ द एलआरआर इफ वी टॉक अबाउट एलआरआर होता क्या है सो so, एलआरआर का जो प्रॉपर फुल फॉर्म होता है दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो इट इज बेसिकली परसेंटेज ऑफ़ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है रिटेन करना पड़ता है ठीक है वो प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को रिटेन करना पड़ता है दैट इज बेसिकली एल आर आर और एल आर आर किसका समेशन है ऑफ सी आर आर एंड एस एल आर इन दोनों का जो टोटल है दट इज योर एल आर आर अब होता है क्या सी आर आर और क्या होता है एस एल आर डिपोजिट का वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को ठीक है जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवाना है सेंट्रल बैंक के पास सो so, वो पोर्शन या वो परसेंटेज इज बेसिकली सी आर आर दैट इज कैश रिजर्व रेशो वो फंड या वो परसेंटेज जो एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व मेंटेन करना है डाटस सी आर और एस क्या होता है डिपॉजिट्स जो आपने अपने पास जो कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिट्स फाइन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिट्स

Uh, वो प्रपोर्शन वो परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का एक कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है ठीक है एंड इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ एंड सी दैट विल योर डू फर्स्ट अगर इकोनोमी में एक्सेस डिमांड है ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसे हैं दे आर डिमांडिंग वेरी मच सो इन दैट केस आरबीआई क्या करेगी एल आर आर का रेट क्या कर देगी इंक्रीज कर देगी जिससे क्या हो जिससे कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स मेंटेन करें, या इन फॉर्म ऑफ़ रिज़र्व्स को मेंटेन करें जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी क्या हो जाए कम हो जाए और जितना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा उतना ही इकोनॉमी में क्या होगा मनी का फ्लो भी कम हो जाएगा और वो लोन भी नहीं दे पाएगा और जितना लोन कम होगा उतना ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे अपने डिमांड कम करेंगे सो तो इन दैट केस आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी आपके एग्रीगेट सप्लाई के और आई कैन से आपका जो एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी रिज़ॉल्व हो जाएगी इफ वी सी इन डेफिसिट डिमांड तो डेफिसिट डिमांड में क्या होता है आरबीआई क्या करेगा डिक्रीज कर देगा द रेट ऑफ एल आर आर अब डिक्रीज क्यों कर देगा क्योंकि वो कोशिश करेगा कि कमर्शियल बैंक अपने पास कम रखे और इन फॉर्म ऑफ लोन्स ज्यादा लोगों को दे और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो इंक्रीज हो जिससे लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो और जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो जाए रिजॉल्व हो जाए सिंपल सी चीज है अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा एलआरआर के रेट को इंक्रीज कर देगा और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा उस रेट को डिक्रीज कर देगा सिंपल एक्सेस तो इंक्रीज डेफिसिट तो डिक्रीज ओके आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक आपको दस लाख का लोन लेना है से. इस लोन को लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ मॉडगेज करना पड़ेगा तब ऐसा तो नहीं है कि दस लाख का लोन के लिए यू कैन मॉडगेज फाइव लाख प्रॉपर्टी नहीं ना एटलीस्ट बैंक कोशिश करता है कि अच्छा दस लाख का लोन लेना है तो कम से कम पंद्रह लाख का तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा तभी तो बैंक लोन देगा आपको अगर देखा जाए स्कोर लोन दस लाख का लिया है बट सिक्योरिटी टू बैंक सो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट सो दिस डिफरेंस इज बेसिकली योर मार्जिन रिक्वायरमेंट फाइन सो so, आपका जो लोन की वैल्यू और सिक्योरिटी की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली योर मार्जिन रिक्वायरमेंट ओके अब आरबीआई क्या करेगी अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करेगी डिफिसिट डिमांड है तो क्या करेगी लेट्स सी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई क्या करेगी द रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी बाई क्यों इंक्रीज करेगी क्योंकि अगर आरबीआई सिक्योरिटी ज्यादा मांगेगी ठीक है उनको बोलेगी कि कमर्शियल बैंक को कि नहीं आपने सिक्योरिटी ज्यादा मांगनी है ठीक है या फिर आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी ज्यादा मांगेगी कि तभी मैं तुम्हें तो लोन दूंगी इससे क्या होगा कमर्शियल की जो लेंडिंग करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और अगर कमर्शियल बैंक भी आगे पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों का कंजाम्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा

कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करें अपनी जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें जिससे लोगों का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए इंक्रीज हो और ये डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए सॉल्व हो जाए सो so, सिंपल सी बात अगर एक्सेस डिमांड है तो एम का रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और डेफिसिट डिमांड है तो एम का रेट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा I hope this much is clear, but still, if you have any doubt on any query, you can just share your query in the comment section. For sure, we will discuss that and we will try to solve your query. Now, let's talk about fiscal policy. tha, that was monetary policy key instruments. Now we will discuss the fiscal policy. अब पॉलिसी में बेसिकली हम बात करते हैं ऑफ़ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के अंदर चेंजेस ला, so ला रही है जिससे वो क्या कर पाए इकोनॉमी के अंदर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर पाए सो दैट इज बेसिकली फिस्कल पॉलिसी सो फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम है? है. है? So, क्या है बजेटरी पॉलिसी क्योंकि जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना जिससे वो कंट्रोल कर एक्सेस इन डेफिसिट डिमांड एंड ऑफकोर्स उसको अपना सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना है ये ध्यान में रखना ही है सो नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट्स द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज गवर्नमेंट बजट अब गवर्नमेंट बहुत सारा हमारा खर्चा करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे करती है हमारे डेवलपमेंट पे करती है हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है ठीक है सो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट क्या करेगी लेट्स सी अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है ठीक है ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी वो कहेगी कि नहीं मुझे अपना एक्सपेंडिचर क्या करना है रिड्यूस कर रहा है जो बहुत एसेंशियल चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन पे ही खर्चा करेगी जो अननेसेसरी का या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी खर्चा अपना करना बंद कर देगी जिससे क्या हो लोगों की डिस्पोजिबल इनकम क्या हो जाए कम हो जाए ना व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम द इनकम आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो आपकी इनकम बचती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हो फाइन तो अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो आप अपना कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर दोगे कम करोगे जिससे क्या होगा आपका एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी रिजोल्व हो जाएगी फाइन तो एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी कि अपना एक्सपेंडिचर को मैं रिड्यूस करूं ठीक है जिससे क्या हो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो फाइन और जिससे लोग अपना कंजम्पशन और एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या करे? कम नाउ करे. इफ अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर अब बढ़ा देगी राइट right? गवर्नमेंट क्या करेगी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी क्यों बढ़ाएगी जिससे क्या हो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए जिससे उनका क्या हो जाए परचेजिंग पावर बढ़ जाए राइट right? और वो अपना इन्वेस्टमेंट और कंजम्शन एक्सपेंडिचर क्या करें बढ़ा हाँ दें और उससे क्या वो आपकी जो डेफिसिट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए फाइन सो so, याद रखना है अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी और डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगी इंक्रीज कर देगी सिंपल

तो वो डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे, नहीं देगा दैट इज फॉर जनरल पब्लिक वो सबके लिए बेनिफिशियल है फाइन एंड टैक्स इज इज कंपल्सरी पेमेंट या बिकॉज दैट लीगली आपको पे करना करना ही है उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो इट्स मैंडेटरी सो वो पेमेंट जो आप गवर्नमेंट को कर रहे हो दैट इज बेसिकली योर टैक्स फाइन एंड इट्स एज यू ऑल नो इट इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम योर इनकम इनकम का एक सर्टेन पोर्शन जो आप गवर्नमेंट को देते हो

बट अब आप हंड्रेड रुपीज में से फिफ्टी दोगे तो पैसे कितने तो तो करोगे? करोगे। so, तो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी जिससे लोगों का डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रिड्यूस हो और कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए फॉल हो जाए और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए

उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई राइट अब परचेजिंग पावर बढ़ गई तो वो क्या करेंगे परचेजिंग पावर बढ़ गई तो वो क्या करेंगे पावर बढ़ने से वो अपने को इंक्रीज करेंगे. वो को करेंगे, करेंगे, ज्यादा राइट तो उससे क्या होगा जो आपका डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी रिजोल्व हो जाएगी जो गवर्नमेंट लेती है ओके अगर आपसे पूछा जाए ये चीज टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी टैक्सेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी इंक्रीज कर देगी टैक्सेस और डेफिजिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी डिक्रीज कर देगी टैक्सेस सो आई होप दिस माच जस्ट क्लियर ऑल दी इंस्ट्रूमेंट आर क्लियर बट स्टिल इफ यू फील दैट एनी डाउट और एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर टू यू यू कैन डेफिनेटली शेयर योर क्वेरी इन दमेंट सेक्शन फाइन And we will try to resolve all of your queries. Thank you. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel. And please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn, and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.